अब सवाल ये आता है, अगर लाइट वेव फ्रंट्स की तरह प्रोपेगेट करती है, अगर लाइट वेव फ्रंट्स की तरह प्रोपेगेट कर रही है, तो क्या लाइट के जो नॉर्मल रूल्स हैं ये उसको भी फॉलो करती है? इफ लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स, डज इट फॉलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? डज इट फॉलो लॉज ऑफ रिफ्रेक्शन? तो अगर लाइट है तो उसको करने चाहिए, क्योंकि ये तो लॉज है, और लॉज कोई भी सूरत हो, कैसी भी सिचुएशन हो, उसको तो स्टैंड करना पड़ेगा, तभी हम उसको लॉ कहते हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर कि क्या वेव फ्रंट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं। ठीक है, दिस वी वॉन्ट टू सी। मान लो ये कोई प्लेन सरफेस है, और इस प्लेन सरफेस पे एक वेव फ्रंट इसकी तरफ आ रहा है, तो वेव फ्रंट कैसे आएगा? प्लेनर वेव फ्रंट की बात कर रहे हैं, कैसे वेव फ्रंट की बात कर रहे हैं? प्लेनर वेव फ्रंट की बात कर रहे हैं। तो एक प्लेन वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है, ये ऐसे आ रहा है, इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या मिलेगी हमें? इसकी डायरेक्शन मिलेगी इस प्रकार से, तो ऐसे 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 बढ़ता बढ़ता इस सरफेस की तरफ आ रहा है। ठीक है, पहले समझ लो, मैं लिखवाऊंगा उसके बाद। जब ये वेव फ्रंट इसके पास आ रहा है, तो इसका जो ये सिरा है, ये वाला सिरा है वेव फ्रंट का, वो इसको टकराएगा, और वेव यहां से टकराने के बाद क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये सिरा तो अभी भी चल रहा है, ये तो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, मगर जब तक ये सिरा यहां तक पहुंचेगा, तब तक ये रिफ्लेक्ट होकर किसी दूरी तक पहुंच चुका होगा। ठीक है, और जब ये यहां से रिफ्लेक्ट होगा, उसके बाद ये रिफ्लेक्टेड दोनों जो एंड्स हैं इसके, वो एक साथ चल रहे होंगे, उसके बाद वेव फ्रंट यहां से आगे चला जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? तो यहां से जो ये वाला एंड है, यहां टकरा के किस प्रकार से जाएगा? ये इस प्रकार से जाएगा। ठीक है, और ये भी टकरा के कैसे जाएगा? ये भी ऐसे जाएगा। ये क्यू एन और डब्ल्यू एन डैश, ये नॉर्मल्स हैं, सरफेस पे नॉर्मल्स हैं। जब इस प्रकार से वेव फ्रंट आ रहा है, तो वेव फ्रंट की डायरेक्शन में ये वाली लाइन आ रही है, और ये इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को स्ट्राइक कर रही है, तो यहाँ पे हम इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा लेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला हुआ आई। ठीक है, और यहां से ये फाइनली ऐसे जा रहा है, तो इस वाले एंगल को हम क्या मान लेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इस दिशा में जा रहा है ना ऐसे, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इस दिशा में आया था ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर हम यहाँ पे ये प्रूव कर पाते हैं कि आई इज इक्वल टू आर होता है, अगर हम यहाँ पे ये प्रूव कर पाते हैं कि आई इज इक्वल टू आर होता है, इसका मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रंट फॉलोज दी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ज्योमेट्री यूज करके ये चीज प्रूव करनी है कि आई इज इक्वल टू आर होता है। ठीक है, कैसे करेंगे, कोई आइडिया? यहाँ पे देखो ध्यान से, ये सर ये 90-90 90 है, यस ये भी 90 है बेटा। ठीक है, अब ये एंगल आई है, ये एंगल क्या मान ले हम? इसको एंगल, इसका नाम दे देते हैं वन। ठीक है, और इस एंगल को हम क्या नाम दे दें? टू। ये चीज समझ में आई बेटा? कुछ को समझ में आई? हमने यहाँ पे यस नाम सर दिया इसको आई, इसको वन, इसको टू। अभी ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है और वेव फ्रंट, इसके बीच में क्या एंगल होता है? 90 90 डिग्री होता है। दी एंगल बिटवीन दी वेव फ्रंट एंड इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज 90 डिग्री। ठीक है, ये सेंटेंस लिखिए आप, दी एंगल बिटवीन दी वेव फ्रंट एंड इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज 90 डिग्री। तो एंगल आई प्लस एंगल वन इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें मिल गया। ठीक है, अब क्यू एन क्या है? नॉर्मल है सरफेस पे, क्यू एन इज नॉर्मल टू दी सरफेस, देयरफॉर एंगल वन प्लस एंगल टू कितना हो गया?
ये भी 90 हो गया। नाइन्टी हाँ, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 90 डिग्री। दोनों ही 90 90 के हैं, तो हम इक्वेट कर सकते हैं इनको। इनको इक्वेटिंग द टू वी हैव एंगल आई प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल 2। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। ठीक है बेटा, अब दूसरी तरफ देखें, हम इस एंगल को मार्क कर देते हैं एंगल 3 और इस एंगल को नाम दे देते हैं 4। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, R प्लस 4 90 होगा, 3 प्लस 4 भी 90 होगा, तो R इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। इससे हम यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली एंगल R इज इक्वल टू एंगल 3। तो हमारे पास यही आ गया कि एंगल I 2 के बराबर है, एंगल R 3 के बराबर है। अब हमें ये प्रूव करना है कि 2 और 3 जो है ना, ये आपस में भी बराबर है, ये भी आपस में बराबर है। सर वो ठीक एक है, प्रॉपर्टी ये होती है ना, दो ट्रायंगल्स इनका बेस सेम हो और एक एंगल सेम हो तो दोनों के एंगल सेम एंगल होते हैं। एंगल जो प्रॉपर्टी होती है, हाँ बेटा, एंगल एंगल जो प्रॉपर्टी होती है उससे हमें सिमिलर ट्रायंगल मिलते हैं। ठीक है, उससे हमें सिमिलर ट्रायंगल मिलते हैं, मगर हमें यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सेम। ठीक है, हमें यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स चाहिए। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के हिसाब से हमें एक साइड भी चाहिए। ठीक तो है, सर क्यू डब्ल्यू साइड तो दोनों में कॉमन ही है ना, क्यू डब्ल्यू कॉमन साइड हो गई। हाँ, और ये एंगल बराबर हो गए। तीसरी चीज क्या लोगे? दोनों के ये वाले जो एंगल है टू और टू थ्री और का जो थ्री पार्ट है ना, ना ये आपस में तो बराबर नहीं है ना, यही तो हमें प्रूव करना है। ठीक है, या तो साइड एंगल नाइनटी साइड हम यूज माइनस करें। थ्री सुनो सुनो सुनो, या तो हम राइट एंगल साइड और हाइपोटेन्यूस आरएचएस क्राइटेरिया यूज करें, या साइड एंगल साइड क्राइटेरिया यूज करें, या एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया यूज करें, साइड 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 क्राइटेरिया यूज करें कॉन्ग्रुएंसी। सर आरएचएस यूज हो सकती है ना, आरएचएस एक ही तो साइड है, हाइपोटेन्यूस एक एंगल है, और दूसरी चीज क्या है हमारे पास? वेव की लेंथ तो सेम ही है ना, नहीं, कैसे पता? जितनी लेंथ की वेव आ रही उतनी तो रिफ्लेक्ट करेगी। नहीं, ये हमें प्रूव करना है ना कि वही वेव रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है भाई, अगर मीडियम चेंज होता है तो चेंज आना लाजमी है। यहाँ पे मीडियम चेंज नहीं है तो यहाँ पे भी चेंज नहीं आना चाहिए, तो हमें प्रूव करना है, दिस वी हैव टू प्रूव। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या ले है? उसके लिए अब हमें ज्योमेट्री यहाँ पे लगानी पड़ेगी। ठीक है, ज्योमेट्री और फिजिक्स दोनों यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आएगा ना, ये तो पॉइंट क्लियर हो गए हैं यहाँ तक। हाँ, अब आप लिखिए, व्हेन द वेव फ्रंट रीचेज द सरफेस एंड टचेज द पॉइंट क्यू, द अदर एंड ऑफ वेव फ्रंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ वी डब्ल्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? वी को डब्ल्यू तक आने में कुछ टाइम लगेगा, वी को डब्ल्यू तक आने में कुछ टाइम लगेगा, तब भी वो रिफ्लेक्ट होके जाएगा। पहला सिरा तो क्यू से रिफ्लेक्ट हो गया, अब हमें ये देखना कि वी से डब्ल्यू तक आने में इसको कितना टाइम लगा। ठीक है, आगे लिखिए, एज्यूमिंग द वेलोसिटी ऑफ वेव बी सी, ठीक है, देन टाइम डेल्टा टी इज इक्वल टू वी डब्ल्यू अपॉन सी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी गिव्स मी द टाइम। ठीक है, अब कितनी देर में वी पॉइंट डब्ल्यू तक पहुंचा है, उतनी ही देर में पी क्यू से रिफ्लेक्ट होके कहां तक पहुंच जाएगा? हमें दिख रहा है आर तक पहुंच रहा है, हमें ये दिख रहा है आर तक पहुंच रहा है। ठीक है, इतनी ही देर के अंदर, इतने ही टाइम इंटरवल के अंदर क्यू पॉइंट रिफ्लेक्ट होके आर तक पहुंच रहा है। ठीक है, इन द सेम टाइम, आगे लिखें, इन द सेम टाइम द वेव फ्रंट आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रीचिंग आर। तो क्यू आर क्या हो गया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्यू आर इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, देयरफॉर
QR इज इक्वल टू, अभी QR कैसे मिलेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम मतलब c इनटू डेल्टा t, ये वाला टाइम c इनटू डेल्टा t, ठीक है। और डेल्टा टी क्या है हमारे पास, डेल्टा टी है वी डब्ल्यू अपॉन सी, इसलिए ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो क्यू आर और वी डब्ल्यू बराबर आ जाए। हाँ तो सी से सी कर दिया और फिर क्यू आर इज इक्वल टू वी डब्ल्यू, हमें जो थी तीसरी साइड चाहिए थी बराबर की वैल्यू, वो ये मिल गई है, ठीक है। देर वी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू आर, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड तीनों चीज हो गई, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज जो कि कॉमन है और ये साइड कौन सी वी डब्ल्यू और क्यू आर, ठीक है। क्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू डब्ल्यू कॉमन साइड, देयरफॉर ट्राइंगल क्यू वी डब्ल्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डब्ल्यू आर क्यू, ठीक है। दिस मीन्स एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री, हेलो बेटा एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री कैसे हुआ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में, बाजी बी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, बाय सी पी सी टी, मगर एंगल टू क्या था हमारे पास, एंगल टू था आई, एंगल थ्री क्या था, एंगल थ्री था आर, सो आई इज इक्वल टू आर, आई इज इक्वल टू आर। तो कंक्लूजन कंक्लूड कैसे करेंगे इसको, दस वी सी the reflection of wavefronts, thus we see the reflection of wavefronts also follows the laws of reflection,